रूस वल्लों यूक्रेन ते हमला किया गया है, उस दे नाल हिंदुस्तान के 20,000 तो वध उत्थे लोग फसे हुए हैं और पंजाब हरियाणा हिमाचल के भी नौजवान जिहड़े कि मैडिकल की सिक्ख्या हासिल करन दे लई यूक्रेन गए सी, उन्हां दे विच इक समाणा दा नौजवान है नवरोज सिंह जिहड़ा कि तीजे साल की पढ़ाई मैडिकल की उत्थे कर रहा है, उत्थे किस तरह के हालात हैं, बच्चे बॉर्डर ते किस तरह फसे हैं, हिंदुस्तान की सरकार वालों जिहड़ा कहा गया कि उन्होंने पोलैंड बॉर्डर जाए या रोमानिया जाया जाए उत्थों असीं लेके आवांगे, उन्होंने पिता खड़े हैं नवरोज दे, उन्होंने गलबात करते हैं। साडा काका जी 3 साल तीजे साल से स्टूडेंट है जी, लवी मेडिकल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट है जी, तीजे साल का जी, तो एक तरीक तो गया से 1 सितंबर तो मतलब कि क्लासा मतलब सैकंड ईयर क्लीयर करने बाद गया से जी उत्थे, तो उस तो बाद उ मतलब हॉस्पिटल वगैरह उन्होंने क्लासा लगन लग गया उसे जाना पैंता उस करके जी उसे स्टडी उसकी थर्ड ईयर की चल रही थी, स्टडी चल रही है। हाँ जी, हूँ जो रूस वालों हमला किया गया यूक्रेन से हूँ की हालात है, कोई संपर्क होया बच्चे ना? हालात तो तकरीबन डरता लग रहा है जी, बहुत ज़्यादा जेहड़े हिसाब दो दिन पहले लड़ाई हो रही थी जी, बहुत ज़्यादा तो अजे भी लड़ाई हो रही है जी, डरता लगता ही है जी, कि ना कि मतलब कई बार पहले कहते सिविलियन तो नहीं कि अटैक वगैरह हुए ने जी, वह करके डर तो देखो जी स्वभाविक होंगे ही है जी। कितने रह रहे हैं बच्चे इस टाइम, होस्टल से हैं, बंकर से हैं, किस तरह? अलग अलग बच्चे ने जी, जो दूजिया साइडा ने बंकर ने, यह लवीव के पोलैंड बॉर्डर के नेड़े से जी, ये तो इधर थोड़ी जी मतलब ठीक से माहौल थोड़ा जहाँ करके होस्टल के जी 8 नंबर होस्टल में। तो किस तरह दस रहा है, की अपील कर रहा है तुहानू, किस तरह उससे किन्ने बच्चे हो रहे हैं? बच्चे तो तकरीबन 8-10 जी रूम के जी, इकट्ठे इन्होंने ही कही इकट्ठे रहो, चलो जिन्ना चेर मतलब थोड़ा जहाँ हौसला रहता जी, इस करके इकट्ठे ही जी। तो आले दुआले का कोई बच्चा थोड़े नॉलेज में हो यूक्रेन से, थोड़े बेटे के नाल इतने अपने आस दुआले अपने समाने इतने का तो नहीं फिर मेरे नॉलेज में जी गए, बाकी मतलब जो जूनियर जन तकरीबन होएगा शायद जी नॉलेज। ठीक है, तो हूँ की अपील कर रहा है बच्चा, थोड़ा दस रहा है सरकार तो की मंग कर रहे हो तुम? यही अपील करते जी, दिन तकरीबन रात आए थे जी पोलैंड तो, उन्होंने अपने जो पोलैंड बॉर्डर से लैके जाने वास्ते, तो उत्थे तकरीबन बच्चों लै गए उत्थे लंबी लंबी लाइना लगियां, टैंपरेचर बहुत डाउन आ जी उसे, तो यही कहते हैं कुछ कहते हैं वापस जाओ, हूँ वापस जाने तो भी बच्चे थोड़ा डर लगता है जी, इस करके उत्थे करके यही कहते हैं भी जोड़ी फ्लाइटा जी थोड़ी ज्यादा करन, किवें बॉर्डर वगैरह खोलन, बॉर्डर जो ओपन नहीं हुए कोई जी, तकरीबन हकीकत तो नहीं हुआ जी कुछ भी। पोलैंड यूक्रेन का बॉर्डर अजे नहीं खोले जी, हजे नहीं खोले जी बॉर्डर, तकरीबन बच्चे खड़े लंबी लंबी, कितने बच्चे होने जो बॉर्डर से इस टाइम खड़े? बॉर्डर के तकरीबन सारे सारे तकरीबन 4-5 सौ तो उपर 1,000 या 2-2 हज़ार बच्चे अलग अलग बॉर्डर से, कितने तो इदू भी ज्यादा नहीं जी बच्चे, बहुत 5-5 हज़ार के करीबन दूजे बॉर्डर। तुम की अपील करते हो भारत सरकार को? असं तो यही अपील करते हैं जो फ्लाइटा ने एक दो होर वधाण जी, किवें किवें करके जी बच्चे जो छेती छेती पहुंचन बिल्कुल सेफ जी, और उस तो बाद जो जी पढ़ाई जी वाल जिम्मे ऑनलाइन होगी सारा कुछ, फ्यूचर उनका बिल्कुल सेफ रहेगी। यूक्रेन लवीव यूनिवर्सिटी के स्टडी कर रहा है, थोड़ा पता ही उत्थे जंग करके हालात बने ने, बच्चे बहुत खज्जल खुआर हो रहे हैं, अंबैसी तो जल्दी हैल्प करने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि रात के बच्चे उत्थे बहुत प्रॉब्लम के विच ने, पुख्ता प्रबंध करके उन्होंने सही समय से उड़े लिया जाए, सारे पुरजोर अपील है जी। पिता जिन्होंने भारत सरकार तो अपील की है कि साढ़े बच्चे जल्दी जल्दी हिंदुस्तान लिया जाए, पंजाब लिया जाए, क्योंकि सानू चिंता है जिस तरह युद्ध हो रहा है उत्थे, हमला किया जा रहा लगातार रूस वालों यूक्रेन से, बमबारी हो रही है उस दे नाल, बॉर्डर जिहड़े बॉर्डर भी नहीं खोले गए, बॉर्डर से भी लंबी लाइना लगी हुई हैं, और टैंपरेचर 0-0 है, उस दे नाल बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, हर तरह की चिंता मापियां नू सता रही है, कदों हुण वापस बंदे हैं, एक सरकार ने जल्दी जल्दी अपील की, जल्दी जल्दी भारत लिया जाए। कैमरामैन बीके गर्ग के नाल पुरशोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।